फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो देखते हैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करके कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए आज के दिन। ऐसी क्या बात है जो आपसे बोलना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखेंगे। तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और कैंडल की लो की तरफ देखकर यूनिवर्स और एंजल्स का नाम लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को फील हो रहा है कि जैसे अभी आप दोनों की बात हुई है कुछ टाइम पहले, या कुछ घंटे पहले बात हुई है। आपके पर्सन का आपको मैसेज आया था अभी कुछ टाइम पहले। आपके पर्सन एक मिनट, आपके पर्सन आपकी बात अपने दोस्तों से बहुत करते हैं, लेकिन सबसे नहीं, सिर्फ एक दो ऐसे दोस्त हैं जिनसे वो आपकी बातें शेयर करते हैं कि वो ऐसी है वैसी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी बहुत केयर करती है, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं। और कभी कभी अगर आपके पर्सन को उनके फ्रेंड कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं आपके लिए, तो आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं करते, उनको गुस्सा आता है। वो उनसे लड़ते झगड़ते नहीं है, लेकिन साइड पे हो जाते हैं, उनको कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके बारे में कुछ भी गलत वो नहीं सुनना चाहते किसी से भी। आपके पार्टनर जो है वो खुद जितना मर्जी आपसे लड़ ले झगड़ ले, लेकिन किसी से भी वो आपके लिए नेगेटिव नहीं सुन सकते। आपका जो आपके पर्सन का नाम या तो सी से शुरू होता है, यू आई आपकी बर्थ डेट में एक नंबर आता है, टेन आपके पर्सन नॉर्मली तो आपसे नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे सेक्सुअली बातें बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी, नॉट रोज, कभी कभी। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन और आप एक जगह पे या तो स्टडी करते थे, या एक जगह पे जॉब की आपने, या आप अभी भी वहीं कर रहे हो, या तो स्टडी या तो जॉब। और ज़्यादातर मुझे यहाँ जो दिख रहा है, आप लोग एक ही सिटी के हो, दोनों सेम सिटी में रहते हैं, लेकिन दूरी में सेम सिटी में हो। देखिए बंडन, सेम सिटी में आप दोनों, लेकिन थोड़ी दूरी पे हो। लेकिन एक सिटी में रहने के बावजूद भी आपका रोज मिलना नहीं होता, आपके पर्सन को पता नहीं, मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ, आपके पर्सन को आपके माथे पे बिंदी बहुत पसंद है, आपके माथे पे बिंदी लगी हुई उनको बहुत पसंद है।
वो आपको सिंपल सिटी में ज़्यादा पसंद करते हैं फ्रेंड्स। आपके जो पार्टनर है ना, आप जितनी सिंपल लुक में रहते हो ना, आपको वो ज़्यादा ऐसे पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं आपको बोलते कि ये ड्रेस तुम पे सूट नहीं करती, ये मत पहनो, ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि उनको आप पे हर चीज़ अच्छी लगती है। उनको ये लगता है कि हर कलर, हर चीज़ आप पे सूट करती है। मुझे फील हो रहा है जैसे आपको आपके पार्टनर पे ब्लू और ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है आपको। अगर आपके पार्टनर ने ब्लैक और ब्लू कलर पहना हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो, आपको बहुत पसंद है। आपके पर्सन मेरे को हाइट में लंबे दिख रहे हैं, काफ़ी हेल्दी। हेल्दी का मतलब मोटे नहीं, हेल्दी का मतलब ही जैसे वो बॉडी और बॉडी शॉडी बनाई होती है ना, वैसे दिख रहे हैं मेरे को। अच्छे डोले शोले निकाले हुए हैं आपके पार्टनर के, निकले हुए हैं। दिखने में काफ़ी स्मार्ट है, हैंडसम है, क्योंकि देखिए लॉ एकदम कितनी तेज़ हो गई है। और वो बातों के बहुत धनी है, उनकी बात करने का तरीका ऐसा है कि अगर आप दोनों में लड़ाई भी होती है ना, तो वो एक बात बोल दे, आप वहीं पे फ्लैट हो जाते हो। उनकी बातें करने का ऐसा तरीका है, इस तरह से वो बात करते हैं, वो किसी को भी मोह लेते हैं। और मुझे एक बात ना आपके लिए फील हुई, आप जलसी बहुत करते हो। अगर आपके पार्टनर किसी और से बात करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फील होती है गाइस। मैं समझ सकती हूँ होती है, क्योंकि आपके पार्टनर है, किसी और से बात करेंगे तो नेचुरली सी बात है आपको फील होगा। लेकिन आपको जल्दी फील होती है जब आपके पार्टनर किसी से बात करते हैं, किसी की पिक्स भी लाइक कर देते तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात बोलूँ, आपके पार्टनर आपको जलाने के लिए ये सब करते हैं, जानबूझ के करते हैं। वो आपको तंग करते हैं ये सब करके, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें उनको अच्छी लगती हैं आपकी। ये सीली सी बातें जो आप करते हो ना, वो उनको अच्छी लगती हैं। वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं आपकी ये चीज़ें देखकर, क्योंकि उनको अच्छा फील होता है। मुझे एम और एन नज़र आया फीलिंग में, ये दो अल्फाबेट मुझे दिखते हैं, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस एनर्जी मेरे को नजर आई है। आपके पार्टनर अपने घर वालों से बहुत जल्दी बात करने वाले हैं आपके लिए। बहुत जल्दी वो अब रह नहीं पा रहे आपके बिना, क्योंकि लॉ देखो, लॉ कितनी फास्ट हो गई। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप पे बंदिशें भी कभी कभी लगाते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कुछ भी बोलते हो कि ये कलर पहनो, ये करो, वो करते हैं, आपकी बात मानते हैं। किसी की एनिवर्सरी आने वाली है, या तो आपकी फैमिली में किसी की एनिवर्सरी आने वाली, या तो आपके हो सकता है आपके पार्टनर के मदर फादर के हो एनिवर्सरी, लेकिन किसी की एनिवर्सरी आने वाली है।
आप ना अपने पर्सन के साथ ना कहीं जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जैसे आप दोनों की कोई पसंदीदा प्लेस है जहाँ पे आप दोनों साथ में जाना चाहते हो, आप दोनों की कोई ऐसी प्लेस है जहाँ आप दोनों साथ में घूमना चाहते हो, आपने सोचा हुआ है कि जब भी जाएंगे वहाँ ज़रूर जाएंगे। और आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करने वाले हैं वर्क रिलेटेड, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं आपके पर्सन कुछ ही दिन, सॉरी गाइस। वो कहीं ट्रैवल करने वाले हैं आपके पर्सन, आपके लिए इस वक्त बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको सेक्सुअली फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा वो आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त, इसी वक्त राइट नाउ। मेरे को एकदम से एनर्जी फील हो रही है जैसे ना वो आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं। यस गाइस, वो आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, वो आपके साथ पिलो फाइट करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ के बातें करना चाहते हैं, वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, चाहे वो गिफ्ट छोटा ही क्यों ना हो लेकिन देना चाहते हैं गिफ्ट, कुछ भी, चाहे वो छोटा सा टेडी बियर ही हो लेकिन देना चाहते हैं, उनके मन में आ रहा है, बहुत फीलिंग आ रही है इस वक्त, इसी वक्त राइट नाउ उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स आ रही हैं। वो आपके साथ हर एक मोमेंट जीना चाहते हैं, पिलो फाइट से लेके हर चीज़, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो हर एक चीज़ चाहते हैं आपसे अलग अलग। यू नो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। यस, देखिए लो कितनी तेज़ हो गई है, आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, और मेरे को ये लग रहा है आपको भी उनकी एनर्जी पिक हो रही है। ट्विन फिलिंग इनकी एनर्जी आई है यहाँ पे, अगर किसी का नाम सूरज और नंदिनी है तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, सूरज और नंदिनी, मेरे को बहुत नाम रिफ्लेक्ट हुआ है ये, सूरज और नंदिनी, परी, आंचल, नेहा, सुशील, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं पकड़ पाऊँ, ये नाम मेरे को रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके। आपके पर्सन आपको यही अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, जो उनकी फीलिंग है ना इस वक्त उनको हो रही है वो आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, उनके दिल दिमाग में इस वक्त सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप, उनको और कोई थॉट नहीं आ रहा इस वक्त आपके अलावा, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच इस वक्त है, सिर्फ और सिर्फ आप, उनका बस नहीं चल रहा, अगर उनका बस चले तो इसी वक्त उड़ के आपके पास आ जाए, इतना ज़्यादा वो आपको इस वक्त राइट नाउ फील कर रहे हैं, वो रह नहीं पा रहे, लेकिन आपको ये फीलिंग अपनी बताएंगे नहीं, ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे आपके साथ ये फीलिंग्स, लेकिन वो इस वक्त बहुत झटपटा रहे हैं।
भी इस वक्त उनको बहुत याद कर रही हो लेकिन अपने काम में बिजी हो, लेकिन आपको बीच बीच में काम करते करते उनकी याद आ रही है। आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी मिलने के लिए बोलेंगे, बहुत जल्दी वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझे प्लीज़ मेरे को बताइए कि राइट नाउ इनके पर्सन, राइट नाउ इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इसी वक्त, राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इसी वक्त। इनके पर्सन जो मेरे व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं इनके लिए, क्या थॉट उनके मन में आ रहे हैं। वाह नाइस, टेन ऑफ कप्स आपको अपनी विश मानते हैं। आपके पर्सन इस वक्त स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, आपकी वजह से बहुत एनजाइटी ले रहे हैं, बहुत बर्डन ले रहे हैं, बहुत बर्डन है उनके सर पे, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अपने प्यार में वर्क करना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत थोड़ा स्लो है, बहुत स्लो है इस वक्त। क्यों? क्योंकि अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि झटपटा रहे हैं, हर्मिट मोड में आ गए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे ना, अपने आप को बड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके होते हुए भी आप लेकिन पास नहीं हो ना, उसकी वजह से वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको अपनी विश मांगते हैं। देखिए आपको अपनी विश मांगते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं आपके पर्सन, अपने रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, बर्डन ले रहे हैं क्योंकि मिल नहीं पा रहे इस वक्त। जो उनकी थॉट्स दिमाग में इस वक्त चल रहा है, वो उनकी उस थॉट्स की वजह से वो बहुत इस वक्त स्ट्रेस में है और बहुत बर्डन ले रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, आपको शो नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर वो आपके पास होते तो सच्ची में बोलती हूँ, मेरे को बताने में बड़ा अजीब लग रहा है, को आपको वो एकदम झंझोड़ के पकड़ लेते हैं आपको, अगर आप उनके पास होते इस वक्त तो। वो इतना, मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा उनके दिमाग पे आप हावी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा हावी हो चुके आप उनके दिमाग पे, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस वक्त, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल नैना एस्टेरोवर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, और एंजल्स और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय गाइज़।